चल रहा है, वीडियो चल रहा है। Hey guys, assalamualaikum, namaste, welcome back to my channel Vlogs। तो अब मैं जाके Honda showroom पे, और मुझे लगा था Honda Tube ब्लू कलर में, लेकिन ब्लू कलर अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऑरेंज ही बुक करवा दिया। तो वो डॉक्यूमेंटेशन सब खत्म, शाम तक डिलीवरी मिल जाएगी। तो शाम को जाके देखते हैं शोरूम पर क्या क्या मिलता है देखने को। तब तक अब मच्छर मारो। चल रहा है, वीडियो चल रहा है। ओके, तो बहुत मुशक्कत के बाद डॉक्यूमेंटेशन पूरा हुआ। अब ये गाड़ी रेडी है डिलीवरी के लिए, देख लीजिए। तो अब इसको घर लेके जाते हैं और बाद में बताते हैं क्या हुआ। तो शोरूम पे ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाया क्योंकि शोरूम पे बहुत सारी लड़कियां थी, उनके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कुछ सिनेमेटिक शॉट लिया और यहाँ पे आ गया। तो अभी इसका कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ चेंजेस के बारे में बताऊंगा आपको, तो देखते रहिए। तो पहले वाले में ये वाला लाइट नहीं था, अभी ये वाला लाइट दिया गया है। और यहाँ पे हेलोजन बल्ब था, अभी यहाँ पे एलईडी दिया गया है। और इंडिकेटर वगैरह सेम है, और कलर्स में चेंजेस आया। और यहाँ पे कोई डिजिटल मीटर नहीं दिया गया क्योंकि डिजिटल मीटर सिर्फ ड्यूएक्स मॉडल में ही आता है। यहाँ पे नॉर्मल सा एनालॉग मीटर दिया गया है जो कि पहले वाले से थोड़ा अलग है। और की के सेक्शन में यहाँ पे सीट का बटन दिया गया है, क्लिक करने से सीट खोलता है। यहाँ पे कोई लॉक वगैरह नहीं दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करने से ही खोल जाता है। और चेंजेस साइलेंसर गार्ड पे किया गया है, जो कि पहले वाला प्लास्टिक में आता था, ये वाला स्टील में आता है। और पहले वाले में कोई भी पैर रखता तो टूट जाता था, लेकिन ये वाला जल्दी टूटने वाला नहीं है, तो ये बहुत सही है। इसमें भी ट्यूबलेस टायर दिया गया है जो कि बहुत बढ़िया है। इन ट्यूब टायर बहुत दिक्कत देती है, अगर पंचर हुआ तो खोलना पड़ता है पूरा का पूरा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पंचर हुआ 5 मिनट में ठीक हो जाता है। इसका ऑन रोड प्राइस मुझे पड़ा 74,000। और होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस।